ये जो हैप्पी सिंह है वो आज खुद से ही सब्जी बनाने के लिए जिद कर रहा है। चाहिए हेल्पर, इधर एक है और चुटकी सिंह, चुटकी सिंह बोल रहे हैं, हैप्पी सिंह को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये बहुत ही अच्छा सब्जी बनाता है। और एक राज की ये केला और आलू का सब्जी बनाना चाह रहा है लेकिन वो अपने स्टाइल में बनाना चाह रहा है। और उनकी जो पूजनीय माताश्री हैं वो मना कर रही हैं कि भाई ऐसा मैंने रिस्क वाला काम मत करो, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। और इसका एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये ना हर चीज़ में मैगी मसाला डालता है। इसका वश चले ना तो दूध में भी मैगी मसाला डाल दे, सलाद में भी मैगी मसाला डाल दे, हर चीज़ भुंजम में भी मैगी मसाला डाल दे। ये लड़का ना मैगी मसाला छिड़क छिड़क के खाता है चीज़ों पे। अब सोचिए मैं क्या बोलूँ। तो हेलो, नमस्कार, प्रणाम, तो कैसे हैं आप सब? देखिए आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो ऐसा कि अभी हम लोग देवघर ट्रिप से लौटे हैं, देवघर और बासुकीनाथ से, और बारिश बहुत हुई थी रास्ते में जब देवघर से बासुकीनाथ जा रहे थे और बासुकीनाथ से जब देवघर वापस आ रहे थे। इवन देवघर से पटना आते समय भी काफ़ी बारिश हुई जमुई वाले एरिया में। तो गाड़ी ना भयानक रूप से गंदी हो गई है। रोड अच्छे थे बट बारिश किसी को नहीं छोड़ती है, ठीक है? तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। गाड़ी को मुझे साफ़ करना है और इसका जो फर्स्ट सर्विसिंग होने वाली है गाड़ी की, उसका भी टाइम लगभग एक साल होने को है। दूसरी सर्विसिंग इसकी होने वाली है, तो वो 7 अगस्त को इसका पूरा एक साल हो जाएगा। लेकिन एक महीना बाद भी हम करवा सकते हैं। तो मैं सोचा कि अभी 8,000 के लगभग गाड़ी चली है तो 2,000 और चला लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कि या तो आप 365 दिन यानी एक साल पहले हो जाए या 10,000 किलोमीटर पहले हो जाए, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से आपको सर्विसिंग करानी होगी, ठीक है? तो एक साल से एक दो महीना आगे पीछे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 10,000 किलोमीटर का दो ही दिन में हो जाता है तो आप 2 दिन में भी दूसरी सर्विसिंग आपकी हो जाएगी, 10 दिन में दूसरी सर्विसिंग हो जाएगी। तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कि 2,000 अभी 8,000 चला है, 2,000 और चला लेंगे तो 10,000 हो जाएगा। क्योंकि टाइम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी गाड़ी कितनी चली है। उसका इंजन ऑयल तभी बदलना सही रहता है जब 10,000 किलोमीटर चल जाए, है ना? तो देखिए पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। देखिए आपको शायद दिख रहा हो, गंदगी की अंबार लग गई है इसमें। और ना ये पानी मारने से, पाइप से, इवन मैं अपना मोटर चालू करके पानी का जो पंप है उसको चालू करके ही मार रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसकी मिट्टी नहीं निकल रही है। तो आज काफ़ी मेहनत लग जाएगी इसमें, ठीक है? देखिए अंदर से मैं दिखाता हूँ, देख रहे हैं क्या हाल है गाड़ी का। देखिए बच्चे लोग ने जो तहलका मचाया है अंदर में, एकदम गंदगी से पूरा बालू ही बालू हो गया सब जगह, बालू मिट्टी, है ना? तो ये सब भी सीट के पीछे भी देखिए बच्चों ने खा के रैपर, बिस्किट के, कुरकुरे के, ये सब चिप्स के रैपर इसमें भर रखा है। इसमें क्या है, इसमें एक अच्छा गुड्डे बिस्किट है जो हम लोगों ने जमुई से लिया था, वो एक अभी बचा हुआ है। सबको साइड करना पड़ेगा, आगे से देखाता हूँ। देखिए सारी चीज़ें, गर्मी काफ़ी थी तो नाइसिन बॉटल है इधर, वाटर बॉटल। और जो ये गंदगी है जो आपको पाउडर जैसा दिख रहा है ना, छोटे छोटे वो क्या मैं बोलूँ, रेसे जैसे, ये कल जो हमारी गाड़ी फंस गई थी, है ना, उसको निकालने के चक्कर में एक मोटी जो रस्सी थी उसका ये पूरा ऊपर से निकल रहा है, वो प्लास्टिक का वो टुकड़ा धागे जैसे जो है वो, उसकी गंदगी है ये सब। लेकिन नीचे जो गंदगी है वो हमारे जो हम लोग गए थे उसके चलते ये गंदगी हुई है, ठीक है? तो चलिए देख रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी गंदगी है, सभी जगह पूरी गंदगी भरी पड़ी है। देखिए दरवाजे कितने गंदे हैं सब,
ये तो अंदर जो है मडगार्ड वाला, ये तो गंदा होता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बारिश में तो 2 मिनट में ही इस तरह हो जाता है। सो ये पूरी गाड़ी हमारी काफ़ी गंदी है, देखिए पीला, इसके ऊपर ना एक लेयर ही जम गया है मिट्टी का। पूरा देखिए मिट्टी मिट्टी है सभी जगह, दिख रहा है आपको पूरी मिट्टी। हेडलाइट देखिए क्या हाल हो गया है, दिख रहे ये पूरी तरह से गंदी हो गई है गाड़ी। मुझे तो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मैं इसे दे दूँ सर्विस सेंटर, ये पूरी सफाई होकर के आ जाएगी, लेकिन अभी चूँकि 2000 किलोमीटर मुझे और चलाना है, मतलब 25%, 8000 किलोमीटर चला है, 25% मुझे अभी और चलाना है इसे। देखिए गाड़ी की क्या हालत है। ठीक है, ये जो बालू है वो कल जो गाड़ी फंस गई थी वो निकालने के चक्कर में इधर बालू आया है, लेकिन अंदर जो बालू है ना, वो बालू जो हम लोग देवघर का ट्रिप किए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बालू था एक जगह पे, तो उसके चलते ये पूरा भर गया है। ठीक है, सो पीछे मैंने अभी वैक्यूम क्लीनर से थोड़ी सफाई की है, पीछे भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो जैसे मैं ये साफ़ कर रहा था तो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे इसका एक वीडियो बनाना चाहिए जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इसे ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि ये जो है ये इस दोनों सीट के ऊपर आ जाता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे बच्चे लेटते हैं, कभी हैप्पी कभी चुटकी, एक कुशन लेकर के पिलो लेकर के तो थोड़ा रिलैक्स होता है, मतलब बैठे बैठे आदमी थक पीठ टूटने लगता है, ज़्यादा लंबे ट्रिप पर दर्द होने लगता है, तो उसके लिए ये चुटकी के लिए बेड है, कभी हैप्पी भी यहाँ पे लेटता है या मिडिल सीट पे भी लेटता है। मैं और आरती हमेशा आगे ही बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके चलते ये नीचे गंदगी ज़्यादा नहीं हुई थी, फिर भी मैंने वैक्यूम हल्की फुल्की जो गंदगी मैंने वैक्यूम क्लीनर से उसे निकाल दिया है। इधर देखिए क्या फसाई थी, ये देखिए खाना चुटकी ये कुरकुरे खा के चुटके से उधर घुसा दी थी। सो चलिए शुरू करते हैं, और पहले और बाद का जो डिफरेंस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उस साइड जा रहा हूँ, अच्छे से होगा। हम लोग देवघर गए थे तो एक बिस्किट हम लोग ने नहीं खाया, तो यही छूटा हुआ है। कार तो फिलहाल इतने गंदे हालत में है, आप देख ही सकते होंगे, मेरा चप्पल यहीं पे छूट गया था ये, और इतना गंदा है, पूरा धूल धूल भर गया। पापा टिश्यू भी आगे से गंदा हो गया क्या? देखिए आगे को ड्राइवर सीट पे पानी भी चल गया था पापा। शूट कर रही हो तो? हाँ कर रहे हैं। चाकू है इसमें? हाँ उसमें चाकू है, चाकू क्यों, चाकू इसमें इसलिए रखा हो, चाकू इसमें इसलिए रखा हुआ है ना क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग गए थे, कार ही से गए थे, तो 12-13 घंटा का था, तो हम लोग को भूख लग रही थी, हम लोग ने फल वगैरह सब ले लिया था कुछ कुछ, तो वही मम्मी ने चाकू भी रख लिया काटने वाटने के लिए। इसमें से जो भी चीजें हैं काम की चीजें उसे मैं निकाल ले रहा हूँ। जूता चप्पल इसमें क्या है? क्या है इधर? और इधर और निकला च्युइंगम खाओ। एक बात बताएं, हम लोग ने जब दार्जिलिंग गया था ना तो हम लोग को ग्रेप्स फ्लेवर का च्युइंगम मिला, तो हम लोग ने वो लिया था, मतलब ग्रेप्स टाइप था, पर्पल पर्पल। पहली बार हम अलग मतलब स्टाइल का वो खा रहे हैं, ऐसे तो सेंटर फ्रेश नॉर्मल वगैरह खाते, सेंटर फूड ये पिंकी वाला रहता है, यहाँ पे अलग ही मिल गया था। और पापा
आगरा कार अंदर घुसो, कार अंदर गड्ढा में गिरा के कैसे लग रहा है? गड्ढा में गिरा दिया मैंने जानबूझकर क्या? तो पापा भी वो पाइप से साफ कर रहे हैं और हम यहाँ पे मजे में देख रहे थे। पहले पानी से करेंगे, उसके बाद शैम्पू देखिए, आप इधर देख सकते हैं पापा पूरा झाग झाग कर दिए और अब पापा इधर साफ कर रहे हैं। कितना गंदा हो गया था ये, देखिए पापा अच्छे से रगड़ ले। पापा वाइपर का यहाँ पे साफ नहीं किया, उसको कर दिया, सब कर दिया। देखिए वाइपर के बीच में ये गोला, अब हुआ ना। ये इधर भी साफ सफाई। पापा रिम पे इतना बड़ा काला काला निशान क्या था? देखिए हमारी गाड़ी एकदम चकाचक हो गई है अंदर और बाहर दोनों से। पहले कैसी थी और अब कैसी है जरा कमेंट में बताइएगा। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहले कैसी थी और अब कैसी है। सीट इतना गंदा था ना, सब कुछ नीट एंड क्लीन। मुझे 2 घंटे लग गए एटलीस्ट इसको साफ करने में। सेट हो देखिए, डोंट गो इनसाइड। देखिए आगे फिर डैशबोर्ड वगैरह देखिए आप। देखिए क्या है, जब धूल ज्यादा रहे ना, जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हो वैक्यूम क्लीनर वगैरह से, तो आप क्या कीजिए कि फैन को ऑन कर दीजिए और वो इस मोड पे रखिएगा फैन को, ये जो मोड है ना ये वाले, ठीक है। तो अंदर की हवा रोटेट करती रहेगी और वो एसी के फिल्टर से होके जाएगा, तो जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है ना वो खींच लेगा। और आप कोशिश कीजिए कि एक कपड़ा, सूखा कपड़ा ले करके इसको इस तरह से डस्टिंग करते रहिए जोर जोर से, तो क्या होगा कि वो हवा जब अंदर से रिसर्कुलेट होगा तो वो एसी फिल्टर से होके जाएगा और डस्ट पार्टिकल्स उसी में जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट करके कि अब गाड़ी कैसी लग रही है पहले और अभी के रिस्पेक्ट में। ये देखिए चुटकी ने मेरे लिए लस्सी बनाया है, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया से डेकोरेशन किया है। पी करके बताता हूँ कैसा है। थैंक यू चुटकी। हाँ। किशमिश और काजू का चूरन भी है, ऊपर से ये पेड़ा का चूरन डाल के थोड़ा सा काजू डाल दिया। वाह, और मलाई डाला? हाँ। अरे वाह, कितना लगभग इसका 1 चम्मच भर के। गुड थैंक यू। अरे एकदम मस्त बनाई है चटनी। वाह देखिए, लाजवाब। थैंक यू डॉक्टर।